ओके, क्लास प्रॉपर्टी के अंदर हमने क्लैरिफाई किया था आगे वाले सेशन के अंदर अनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस क्या है, और हमने क्लास के बारे में समझाया था। अभी जस्ट हमने क्लैरिफाई किया पर्सन, हमका क्लास नेम, सिटी, जेंडर, बर्थडे और सब क्या एट्रीब्यूट है और ये सब उसकी वैल्यू है। क्लास का कंपल्सरी थ्री डायग्राम होना चाहिए। सबसे पहले टॉप पे क्लास नेम आना चाहिए, मिडल के अंदर विजिबिलिटी होना चाहिए और विजिबिलिटी ऑपरेशन होना चाहिए। ओके, ये भी हमने लर्न किया। पे पर्सन है वो क्लास का नेम है, नेम, सिटी, जेंडर, बर्थडे, रोज सब क्या है एट्रीब्यूट है और ये सब उसकी वैल्यू है। देखो ये इसमें यही होना चाहिए। और लास्ट में जो है वो है मेथड, और मेथड क्या करता है, रिटर्न वैल्यू करती है। ओके, ये 4P के बारे में भी आपको क्लैरिफाई कर चुके हैं, इसके सिंबल आपके माइंड में सर्कल है। यहां से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पर्सन तो है ही क्लास, बट P1 एंड P2 वो क्या है, उसके ऑब्जेक्ट है। राइट, नेम, सिटी, जेंडर, बर्थडे, प्रोफेशनल, नेम, सिटी, जेंडर, बर्थडे, प्रोफेशनल उसके एट्रीब्यूट है। अभी हमारे लिए यहां से मेन पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, ये है अनकैप्सुलेशन का मीनिंग क्या था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अनकैप्सुलेशन, अनकैप्सुल का मीनिंग क्या है, देखो तो ये हमने क्लैरिफाई कर चुके हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अनकैप्सुलेशन, इसके अंदर क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अंदर हमने क्लैरिफाई करेंगे एनी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टू कोर एलिमेंट क्या क्या, डेटा एंड फंक्शन, मेजर उसके टू पार्ट्स हैं, स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी ये, इसमें दोनों में ये दोनों सेपरेट थे, हमने देखा ना वही डायग्राम के अंदर। यस राइट है, आपने प्रॉपर ऑब्जर्व किया हो तो मालूम पड़ जाएगा आपको, अदरवाइज इसमें समझ में नहीं आएगा। राइट है, यस सर, यस। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको क्या बोला जाता है, सिंगल एंटिटी। जैसे मालूम है ऐसे ट्राइंगल जैसा बनता था, ऐसा मैंने आपको बोला था, मीन्स एक दूसरे के साथ वो ज्वाइंट थे डायरेक्टली। और यहाँ पे क्या था, फंक्शन टू नाम का था जो फंक्शन वन और थ्री को ज्वाइंट करता था, मीडिएटेड था। यहाँ पे मीडिएटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता। आपको ये पूछे अनकैप्सुलेशन का मेन क्या होता है, डेटा एंड फंक्शन। ओके, अभी देखो ये इसके थ्रू आपको समझ में आने लगेगा। अनकैप्सुलेशन है उसमें वेरिएबल और डेटा होता है। ओके, एग्जांपल दू, हमारे क्लास का नाम क्या था 7.1 के अंदर, कॉल कोस्ट, वो क्लास का नाम था। उसके अंदर वेरिएबल कितने थे, 4 या 3, और उसके अंदर फॉर्मूला जो यूज करते हैं या डेटा डिस्प्ले होते हैं अनकैप्सुलेशन। तो पूरे ये कंसेप्ट को क्या बोला जाता है, अनकैप्सुलेशन, जो कैप्सूल जैसा सिंबल में अलर्ट होता है। तो मैंने आपको इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल मेडिकल का भी दिया था, याद है आपको, 10 मेडिसिन नहीं लेना हो उसी जगह पे एक कैप्सूल यूज कर लोगे तो भी चलेगा, एग्जाम्पल देता हूँ। देखो यहाँ पे जब अनकैप्सुलेशन ना, तो एक याद रखना है प्राइवेट आना चाहिए। अनकैप्सुलेशन प्राइवेट को प्राइवेट देता है और माइनस सिंबल को, जैसे प्राइवेट इंटीजर रोल नंबर, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट फ्लॉट इज सिटी। ओके, जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेस करना अलाउड नहीं है। पब्लिक जो होगा, पब्लिक तो वो पूरे वर्ल्ड में कोई भी पर्सन एक्सेस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मेरे यूट्यूब के वीडियो मैं अभी पब्लिक रख रहा हूँ, जैसे प्राइवेट कर दूंगा तो वो वीडियो आपको अपलोड, आप मेरे वहां पे ज्वाइंट हो तो देन गुड, नहीं हो तो आपको वो पब्लिकली कॉमनली सबको वो वीडियो दिखाई नहीं देगा। दैट्स मीन्स व्हाट, पब्लिक मेथड और प्राइवेट मेथड समझ में आ रहा है आपको। यस ओके, ये जितने भी डायग्राम के थ्रू ये टेक्स्ट बुक में फिर भी एक दूसरे के साथ जो ज्वाइंट तो होता है, जैसे गूगल का नाम आप चेंज कर सकते हो, नो नो नो, क्यों, वो पब्लिक है, बट पब्लिकली हम यूज कर सकते हैं पर उसका नाम नहीं चेंज करके, क्योंकि वो गूगल का प्राइवेट प्रॉपर्टी है। राइट, तो आप यूज अनलिमिटेड करो पर उसके नेम टैग या उसका सिंबल लोगो चेंज नहीं कर सकते।
तो आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। अनकैप्सुलेशन के अंदर मेन क्या है, नॉट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉडिफिकेशन, आपको अलाउड है ही नहीं मॉडिफाई करना। जब लोगों मैंने बोला चेंज करना अलाउड नहीं है, तो ये भी अलाउड नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दिस इज प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग अनकैप्सुलेशन। तो सिक्योरिटी भी मिल जाती है, डेटा प्राइवेट भी रहता है, और आपको यूज करना तो यूज कर सकते हो। अपन कैसे यूज कर सकते हो, देखो ऐसा प्राइवेट है और पब्लिक है, वो एक दूसरे के साथ जॉइंट है। क्यों? क्योंकि वो एक क्लास के अंदर है, पर बाहर का पर्सन उसको यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, मेरे डेटा मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक का आईडी मैं ओपन कर सकता हूँ, पर मुझको खुद को ओपन करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड तो राइट एंटर करना ही पड़ेगा एवरी टाइम। पर मुझको फ्लेक्सिबिलिटी क्या मिलते हैं, पूरे वर्ल्ड में से कहीं से भी मैं फेसबुक इंस्टाग्राम का अकाउंट ओपन कर सकता हूँ, राइट है? तो ये सब बेनिफिट है अनकैप्सुलेशन का। डेटा एंड मेथड्स दैट मैनिपुलेट डेटा आर गारंटेड अगेन मॉडिफिकेशन, आपको अनकैप्सुलेशन गारंटी देता है। भाई जब तक मेरा ये कंसेप्ट आप यूज कर सकते हो, तब तक आपका कोई डेटा मॉडिफिकेशन नहीं चलेगा और कोई डेटा आपका मिसयूज नहीं कर सकता। फेसबुक का यूज आप अनलिमिटेड टाइम करिए, बट उसका जब भी मिसयूज होगा तो अनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट क्या हो जाता है, स्टार्ट। मैकेनिज्म ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू डेटा एंड मेथड, ये कंसेप्ट को क्या बोला जाता है, अनकैप्सुलेशन, राइट है? ओके, चलिए नेक्स्ट। दूसरा मैंने क्या बोला था, रैपिंग द डेटा एंड मेथड इनटू सिंगल यूनिट, और ये सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं हम, क्लास, समझ में? और क्लास को हमको क्या डिक्लेयर करना है, प्राइवेट। ये पूरा कंसेप्ट हम चैप्टर नंबर 8 के अंदर स्टडी करने वाला है। ओके, पब्लिक प्राइवेट प्राउड वो सब का यहाँ पे कंसेप्ट हम क्लैरिफाई करने वाले हैं। दूसरा मैंने ये भी बोला, प्राइवेट मेंबर ऑफ द क्लास कैन नॉट बी अवेलेबल डायरेक्टली आउटसाइड। तो मैंने आपको डायग्राम तो दिखाई दिया, भाई प्राइवेट मेंबर हो वो डायरेक्टली बाहर से कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते आप, राइट है? देखिए यहाँ पे और भी मैंने क्लैरिफाई किया है डायग्राम, स्मॉल डायग्राम से। If necessary, the data made available on public method. आपको public बनाने की कोई requirement है, जैसे example, मैं Instagram के अंदर कई सारी post करता हूँ और पूरे वो world को दिखाई देनी चाहिए, right है? तो मैं public करता हूँ, पर उसके अंदर मेरी details के अंदर कई सारी details मैंने hide रखी है, private रखी है, तो मेरे अलावा और कोई open नहीं कर सकता। Next देखिए, If necessary, the data is made available via public method. Uncapsulation that provides the data hiding capability. देखो, data abstraction और uncapsulation में mix ना हो जाए। यहाँ पे data hide है, पर वो hide क्यों है? क्योंकि वो private है इसके लिए। जब data abstraction के अंदर क्या होता है? Complexity को hide करने की बात कर रहे हैं। तो दोनों mix ना हो जाए उसका भी ध्यान रखना है। अदरवाइज सब similar जैसा दिखेगा। देखिए यहाँ पे best example small diagram के through दिखा है। Class, क्लास के अंदर क्या होता है, डेटा मेंबर और मेथड होती है। देखिए यहाँ पे ये क्लास है, उसके अंदर वेरिएबल भी है और मेथड भी है। जो यहाँ पे क्या होता है, ये सब क्या है, प्राइवेट है, राइट है? तो यहाँ पे एक्सेस करना है उसको, तो वो जो मेंबर को अलाउड करेंगे उसके थ्रू ही आपको चलेगा। जैसे एग्जाम्पल, आपके स्कूल के कैंपस के अंदर आपके स्कूल के बच्चे ही आते हैं, दूसरे स्कूल के कैंपस के बच्चे एंट्री नहीं ले सकते, इसके जैसे काम है यहाँ पे। क्लियर है? इतना थोड़ा थोड़ा पॉइंट समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म किया चैप्टर 6 है, वो 6 टाइम आपको स्टडी करना पड़ेगा, तभी तो समझ में आएगा। तो मैं डायग्राम के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, ओके, प्रॉपर वे में क्लैरिफाई करवाने की ट्राई कर रहा हूँ। प्लीज एक बार आप देख लीजिएगा इसको। जब और भी लाइन टू लाइन स्टडी करोगे तो ये पॉइंट समझ में आने लगेगा आपको। ओके, आपको पूछे क्लास के अंदर क्या क्या आता है, तो डेटा एंड मेथड आता है। डेटा क्या होना चाहिए, उसके डेटा टाइप हम पहले से डिक्लेयर करते हैं। डेटा टाइप क्या है, टोटल 8 टाइप के डेटा टाइप्स हैं। वो क्या इंडिकेट करता है, वेरिएबल की वैल्यू,
ओके, तो और भी रूल्स क्या है, क्लास का नाम एंड प्रोग्राम का नाम क्या होना चाहिए, मस्ट बी सेम। जावा के अंदर प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या लगाते हैं, डॉट जावा। तो ये सब कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा। इसके लिए मैंने कई थियरी आपको पहले समझा दी जो इंपॉर्टेंट था, चैप्टर 7 के अंदर भी थियरी क्लैरिफाई करने के लिए हमने ट्राई किया। अभी यहाँ पे ये वेरिएबल देखो तो फटाफट चेक करो, बाद में मैं आपको मुझको यूज करना क्या ये समझाना चाहता है। बेस्ट एग्जांपल है अनकैप्सुलेशन का जो फ्यूचर में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर, हम जावा के अंदर मिनिमम एक क्लास होना चाहिए, ये हमारा रूल्स है। ओके चलिए, क्लास के अंदर होता है क्या है, वेरिएबल होता है और मेथड होती है। क्या क्या होता है, वेरिएबल और मेथड। अनकैप्सुलेशन के अंदर वेरिएबल है वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्राइवेट। तो इतना पोर्शन है वो प्राइवेट है, जो बाहर का कोई भी पर्सन उसको देख नहीं सकता, राइट है। बट फिर भी ये प्राइवेट वेरिएबल का यूज करना हो तो मेथड यूज करनी पड़ेगी। ओके, कैसी मेथड, पब्लिक। उसके लिए गेटर और सेटर नाम का ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे एग्जांपल चित्र समझना, इंस्टाग्राम या फेसबुक वो एक क्लास है, वो मेरा प्राइवेट अकाउंट है। ओके, इसके अंदर जो डेटा है वो मेरे प्राइवेट है, बट मैं जब तक कोई फ्रेंड को परमिशन नहीं देता या मैं फ्रेंड बनाता नहीं, तो वो मेरी एक भी प्रोडक्ट या कुछ भी देख नहीं सकता, तो पब्लिक नहीं है। बट मेरी भी से भाई मैं कोई भी इमेज से पोस्ट करता हूँ और वो पब्लिक बना देना है, तो भी वो पब्लिक बन सकते हैं। और ये पूरे कंसेप्ट को क्या बोला जाता है, अनकैप्सुलेशन। इसके लिए लिखा है बाइंडिंग ऑफ द डेटा मेथड और वेरिएबल इनटू सिंगल एंटिटी। इसके लिए मैंने उसका नाम दिया रैपिंग द डेटा, जिससे रैपिंग से क्या होता है, सिक्योरिटी भी मिल जाएगी, ये डेटा का कोई मिसयूज भी नहीं करेगा और साथ में डेटा प्राइवेट भी रहेगा। ओके, बट आपको यूज करना है पब्लिक के लिए, तो उसकी अलग मेथड है। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा पॉइंट, ग्राफ के थ्रू और भी कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आपको। तो आपके जो रेफरेंस बुक है साइड पे, ऐसे वीडियो देखने के टाइम ये सब पॉइंट ड्रॉ कर लेना। जब आप रीडिंग कर रहे हो ना, तो थ्योरी कई सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अभी हम बात करते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन की बात। डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज प्रोसेस ऑफ द रिप्रेजेंटिंग द इनिशियल फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट इंक्लूड इंप्लीमेशन डिटेल। जैसे मैं आपको बोलूं व्हाट्स योर फुल नेम, तो फुल नेम के अंदर ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम आ ही जाता है, तभी तो फुल नेम बोला जाता ना। अभी मैं बोलूं आप 12th साइंस के स्टूडेंट हो, तो मुझको पूछना ही पड़ता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी आएगा कि नहीं आएगा। अरे साइंस है तो आएगा ही आएगा, स्मार्टफोन है तो इसमें 3G 4G ब्लूटूथ GPS GPRS होता ही है। ये सब हम एक 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 फीचर्स नहीं बोलते, क्या बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, आपके पास स्मार्टफोन है, यस हो गया काम। तो सेम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन इज अ कंसेप्ट दैट हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, आपके फादर को GPS GPRS गूगल मैप स्टार्ट करना आता ही नहीं आता, पर वो स्मार्टफोन यूज करते हैं, खत्म। एग्जांपल है व्हाट इज से व्हाट इज डज बट हाउ इट इज डन, वो प्रोसेस नहीं काम है। ओके, तो यहाँ पे एक मेन फीचर्स है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज अ टेक्निक दैट रियलाइज अ सेपरेट ऑफ इंटरफेस और इम्प्लीमेशन कुछ अलग होता है। अपने कंपोजर सॉफ्टवेयर का यूज करके फॉर्म बनाया, बनाया कि नहीं बनाया, यस या नो तो बोलो। यस। ओके, जैसे आपको रेडियो बटन लाना है तो आप क्या करते थे, मेनू बार में इंसर्ट फॉर्म फिल रेडियो बटन सिलेक्ट करते थे, ग्रुप का नेम लिखते थे और इनिशियल वैल्यू लिखते ओके कर देते। तो ग्रुप जैसे रेडियो बटन पे क्लिक किया तो ऐसे रेडियो बटन आ गया,
चेकबॉक्स में गया तो स्क्वायर आ गया। आपको कंप्यूटर को कैसे मालूम है भाई, आप रेडियो बटन के स्पेलिंग पे क्लिक करते हो तो ऐसे ही बटन आना चाहिए। आप एलर्ट का स्पेलिंग लिखोगे और एलर्ट के अंदर तो स्क्वायर ब्रैकेट में ही एरर आने चाहिए, वो कंफर्म नहीं है, राइट है। तो फिर भी आपने जो स्पेलिंग लिखा उसका मीनिंग उसके बैकग्राउंड में होता है, वो कॉम्प्लेक्सिटी हाइड है, वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कंपोजर ये कैसे समझता है, वो आपको मालूम नहीं है। फिर भी आपने पूरा फॉर्म बना दिया कि नहीं बना दिया, पूरी वेबसाइट बना दिया कि नहीं बना दिया, तो ये कंसेप्ट को बोला जाता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। देखिए यहाँ पे अच्छी तरह एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिसके थ्रू और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में ये सब इतने डेप्थ में नहीं समझाया हुआ है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, शेप, एक शेप है, एक नाम क्लास नाम का शेप है, ओके। मैं आपको पूछूं ये डायग्राम के क्लास का नाम क्या है, शेप है, उसमें कैलकुलेट द एरिया और डिस्प्ले है। भाई सबका एरिया आता है, रेक्टेंगल का भी एरिया है, सर्कल का भी है और ट्राइंगल का भी है। इसका कॉमन फीचर है कि नहीं, ये रेक्टेंगल सर्कल ट्राइंगल है क्या, शेप तो है, पर हम क्या बोलते हैं शेप। तो आप बोलोगे सर कौन सा शेप, रेक्टेंगल ड्रॉ करूं, सर्कल ड्रॉ करूं या ट्राइंगल करूं, समझ में आ रहा है आपको? यस या नो, ओके। तो फिर भी हम बोलते क्या है, शेप ही बोलते ना हम, रेक्टेंगल शेप, सर्कल शेप या ट्राइंगल शेप, ऐसे सेपरेट बोलना चाहते हो तो ठीक है, पर अदरवाइज वो सब एक्चुअली है किसके पार्ट, है किसके पार्ट, शेप के। एग्जाम्पल दूसरा देता हूँ, 12 साइंस, उसमें ए ग्रुप भी आ गया और बी ग्रुप भी आ गया, पर बोला क्या जाता है साइंस के स्टूडेंट हो, समझ में आ रहा है, इसके जैसे यहाँ पे काम है। ये तीनों तीन है एक्चुअली शेप, जो कैलकुलेट हमने ये पॉइंट्स क्लैरिफाई कर चुके थे। अभी देखो एक ही पॉइंट में कितनी बार समझा रहा हूँ, उसका मेन रीजन क्या है आपके माइंड में से निकलेगा नहीं। जैसे हमने अनकैप्सुलेशन समझ लिया, ओके, इसमें डेटा मेथड क्या होनी चाहिए, प्राइवेट होनी चाहिए, रैपिंग द डेटा, बाइंडिंग द डेटा, उसमें मैंने आपको कैप्सूल याद दिलाया था, एब्स्ट्रैक्शन के अंदर मैंने कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करने की बात की, ओके, और एग्जाम्पल किसका दिया था, सेव का दिया था। अभी देखो यहाँ पे सेम क्लास डायग्राम का पर्सन नेम सिटी वो सब हमने क्लैरिफाई किया, इसके बाद इंट्रोडक्शन टू डायग्राम 4P के बारे में समझाया, अन कैप्सूल्स के बारे में समझाने के लिए कैप्सूल का एग्जाम्पल लिया, जो यहाँ पे डेटा प्राइवेट है उसको यूज करना हो तो पब्लिक नाम का मेथड यूज कर सकते हैं, और बेस एग्जाम्पल के थ्रू ये डायग्राम भी समझाया। इसके बाद डेटा एब्स्ट्रैक्शन के लिए मैंने शेप का एग्जाम्पल दिया, राइट है, कैलकुलेट द एरिया, डिस्प्ले, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, ये एक्चुअली है सब क्या, शेप, हम फिर भी शेप ही बोला है, उसको बोलते हैं, ओके। अभी देखना डेटा एब्स्ट्रैक्शन के अंदर होता क्या है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ द रिप्रेजेंटिंग द इनिशियल फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट इंक्लूड द इम्प्लीमेशन डिटेल, वो कैसे हो रहा है उसके अंदर हमको नहीं है। तो इसका मेन एग्जाम्पल क्या था, कंसेप्ट दैट हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी, एग्जाम्पल इट इज से वॉट इट इज डज बट नॉट हाउ इट इज डन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज अ टेक्निक दैट रिलीज ऑन द सेपरेट ऑफ इंटरफेस, इंटरफेस मीन्स वॉट, जी यू आई कुछ और होता है और इम्प्लीमेशन कुछ और होता है। जैसे हमने फॉर्म के अंदर डिजाइनिंग जी यू आई मोड अलग करता है और बैकग्राउंड में कंपोजर उसका कोड टाइप करता था, मे बी आपको याद हो, ओके, टी आर टी डी, राइट, टी आर का फुल फॉर्म क्या था, टेबल रो, टी आर का, एनबीएसपी का फुल फॉर्म क्या था, नॉन ब्रेकेबल स्पेस, ओके। तो कई सारे ऐसे टैग थे जो हम टाइप नहीं करते थे कंपोजर के थ्रू, वो ऑटोमेटिक टाइप करके रेडी करता था। कोई दूसरा एग्जांपल यहाँ पे क्लैरिफाई है, द डेटा एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड द स्केलेटन और टेम्पलेट ऑफ आवर यूज, टेम्पलेट मीन्स एक रेडीमेड फीचर्स है, ओके, जैसे कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की स्लाइड बना रहे हो आप तो रेडीमेड टेम्पलेट मिल जाता है, बस उसके अंदर क्या क्या, पुराना स्लाइड का हेडिंग निकाल के हमारा हेडिंग लगा देना है, खत्म।
The system is hiding certain the details to how data it is store, create and maintain. तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ display the shape, abstraction into area. इस example दो class rectangle, class triangle and class circle. ये actually है क्या? Class shape का तो part है. But दोनों में सब में area calculate करना हो तो देखो rectangle का area का formula क्या आता है? थोड़ा सा different है line multiply with triangle हो तो उसके फॉर्मूला डिफरेंट है, सर्कल हो तो पाई का फॉर्मूला डिफरेंट है, पर लास्ट में हम एरिया तो मिलता है ना, और एरिया के अंदर रेक्टेंगल ट्राइंगल सर्कल है क्या? शेप तो है वो. समझ में आ रहा है आपको? यस या नो? हेलो, आई एम ऑडिबल और नॉट? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. ओके चले, रेडी. डेटा एब्स्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है? विजिबिलिटी द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. द एब्स्ट्रैक्शन के अंदर बिहेवियर ऑफ द डेटा टाइप. जैसे एब्स्ट्रैक्शन डेटा टाइप्स के अंदर क्या क्या होता है? एडीटी जो स्ट्रक्चर और सी प्लस प्लस के अंदर है. ओके, स्ट्रक्चर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो सी सी प्लस प्लस के अंदर उसका फीचर है, पर क्लास का फीचर्स ओनली एंड ओनली सी प्लस प्लस एंड जावा के अंदर आता है. ये यहाँ पे ध्यान रखना है. दूसरा एग्जांपल दो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का. आपके बैंक में आपका अकाउंट है, उसमें सेविंग अकाउंट बोलो, करंट बोलो या फिक्स डिपॉजिट एफडी है, तो एक्चुअली वो बैंक अकाउंट के अंदर ही होता है. तो बैंक अकाउंट के अंदर वो एक्सटेंड हुआ है, पर फिर भी हमको ये तीनों का फीचर्स का यूज करना हो तो कंपल्सरी बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए. क्लियर इतना पॉइंट्स? उसके बाद मैसेजिंग. इतनी सारी सिक्योरिटी है, जैसे अनकैप्सुलेशन है वो प्राइवेट है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन समझा, फिर भी आपको अपना डेटा पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी कॉल कर सकते हो, मैसेज फैच कर सकते हो या उसका यूज कर सकते हो. वो किसके थ्रू पॉसिबल है? मैसेज. जैसे आप राइट यूजर में पासवर्ड एंट्री करोगे, इसके बाद तो आपको अलाउड करते हैं ना वो एंट्री करने के. सेम इसके जैसा द बेसिक डिफरेंट बिटवीन द डेटा अनकैप्सुलेशन एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन. अनकैप्सुलेशन प्रोटेक्ट द डेटा बाय मेकिंग द इनएक्सेसिबल आउटसाइड. डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है? इज इनेबल टू सेपरेट डेटा इन इंप्लीमेशन. उसका यूज करिए, उसके पीछे सब काम कैसे कर रहा है उसका कुछ बॉदर में मत चले जाओ. जैसे फैन ऑन करना, स्विच ऑन करो, रेगुलेटर प्रेस करो, उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, क्या उसके अंदर केबलिंग किया है, उसके बॉदर में आपको नहीं जाना है. सिंपल एंड सॉबर. ओके, आप स्मार्टफोन का यूज करिए, उसके फीचर्स को आपको मालूम नहीं होगा तो भी चलेगा. द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजी इज कॉल फॉर, मेथड इज रिफर द मैसेजिंग. कोई भी ऐसे कोई मैसेज को कॉल करना हो, इनवॉक करना हो, तो यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया. देखिए यहाँ पे मैंने बेस एग्जांपल के थ्रू समझाया हुआ. ड्यू टू अनकैप्सुलेशन ऑल मेथड कॉल आर हैंडलिंग बाय ऑब्जेक्ट. डिफरेंट क्लास मे बी हैव सेम मेथड विद सेम नेम. देखो एक पर्सन है, वो मैसेज सेंड करेगा, वो यहाँ पे वापस ये पर्सन को मिल जाएगा. उसको मालूम नहीं कैसे वो आया, कहाँ से आया. मेल, आप मेल बटन के ऊपर क्लिक करोगे, सेंड करोगे, ऑटोमेटिक वो मैसेज सेंड हो जाता है. कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके बॉर्डर में आपको नहीं जाना है. ओके, तो इसके जैसा काम है. फॉर एग्जांपल क्लास डेट, उसका मेथड का नाम है डिस्प्ले. क्लास है डेट, मेथड है डिस्प्ले, बट पर्सन के अंदर देखा हैविंग अ सेम नेम मेथड, जैसे P1 P2, पर वो एक्चुअली पर्सन का ही था, पर इसके अंदर डिस्प्ले होता है. वो कैसे होता है, एग्जीक्यूट कैसे होता है, उसके बारे में यहाँ पे. दिस इज डिटरमाइंड यूजिंग द ऑब्जेक्ट दैट इनवॉक द मेथड फॉर डिस्प्ले. इफ डिस्प्ले इज कॉल्ड बाय ऑब्जेक्ट
ऑफ पर्सन क्लास। आई नो रिविल, थोड़ा सा पॉइंट नहीं समझ में आएगा स्टार्टिंग के अंदर, बाद में ऑटोमेटिक क्लैरिफाई कर लेंगे। यहाँ पे हमको स्टार्ट करना है पॉलीमर्फिज्म। आगे वाला जो डेटा एब्स्ट्रैक्शन उसके जैसे एग्जाम्पल है। पॉलीमर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म, उसका मीनिंग होता है डिफरेंट फॉर्म इन अ सिंगल मेथड और ऑपरेशन। जैसे शेप है उसके अंदर एरिया आता है, तो सर्कल, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। जैसे एरिया के अंदर वापस आर्ग्यूमेंट क्या है, सर्कल। एरिया के अंदर आर्ग्यूमेंट क्या है, ट्राइंगल। एरिया के अंदर आर्ग्यूमेंट क्या है, रेक्टेंगल। नेम सेम, एरिया एरिया एरिया, बट उसकी आर्ग्यूमेंट क्या है, डिफरेंट है। तो देखना डेटा एब्स्ट्रैक्शन के अंदर एग्जांपल इसके जैसा था, पर उसका कंसेप्ट अलग था। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के अंदर एरिया के अंदर सर्कल है, इसमें ट्राइंगल है, इसमें रेक्टेंगल है, फिर भी ये सबको हम क्या बोलते हैं, एरिया। तो यहाँ पे जो समझाना चाहता हूँ, ये क्लास का नाम है शेप नाम का, बट उसकी मेथड का नाम क्या है, एरिया। तो अलग वापस तीन क्लास बनाए, क्लास वन, क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड। एक क्लास का नाम है सर्कल, दूसरे क्लास का नाम है ट्राइंगल, थर्ड क्लास का नाम है रेक्टेंगल। उसकी मेथड है एरिया एरिया एरिया। तीनों का नेम सेम है, तीनों का नेम क्या है, सेम, बट उसकी आर्ग्यूमेंट क्या है, डिफरेंट। आर्ग्यूमेंट क्या है, डिफरेंट। इसको बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर फर्स्ट नेम के अंदर एरर, लास्ट नेम की एरर और मिडिल नेम की एरर हमने यूज किया था, पर तीनों का वैल्यू डिफरेंट था, तीनों के अंदर एरर डिफरेंट आ रही थी। ये कंसेप्ट को बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। और भी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करने वाला है, राइट है। आई होप सो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट।